मिर्च मैंने आधा किलो ले लिया है और भिंडी मैंने डेढ़ पाव ले ली है। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, देख लो आगे से और पीछे से ऐसे काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को पतीली में डाल देंगे। 3 चम्मच में ये पिसी हुई लाल मिर्च के डाल दूंगी, हल्दी 1 चम्मच, नमक हल्के जायका, ये मसाला भी इसमें चला जाएगा। 4 ग्लास ये वाले में पानी के डाल दूंगी गोश्त में। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ये वाला चला जाएगा इसमें। ये 2 अदद मैंने प्याज ले ली है, ये मैं काट के इसमें डाल दूंगी गोश्त में। ये प्याज जो मैंने काटी थी ये भी चली जाएगी इसमें। ऑयल इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 3 चम्मच ये वाले में भर के डालूंगी। गोश्त हमारा पक रहा है और हम इसको ढक देंगे 30 से 35 मिनट तक। 8 से 9 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली है, हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था इसमें डाल दूंगी मैं। थोड़ी सी मैंने इमली ले ली है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए हमारा गोश्त जो है भुनने पे आ रहा है, गोश्त हमारा भुन चुका है। अब मैं ये भिंडी हरी मिर्ची और इमली जो मैंने निकाल के रखी थी इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर लूँगी इसको मैं अच्छी तरीके से गोश्त के साथ। भिंडी हमने डाल दी है, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी। अब हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए हमारा भिंडी गोश्त जो है तैयार हो चुका है, ये देखिए। भिंडी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, कैसी लगी आपको इसकी रेसिपी जरूर बताइएगा कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।